मतलब आज धूप नहीं निकलने वाली है। बज रहे हैं 8 और मेरा काम चालू है, निले को लंच देना है तो बना रही हूँ रोटी, वो तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। इधर बना रही हूँ रोटी, इधर मैंने बनाई है सेम की सब्जी, ये आप देख सकते हो, इधर सेम की सब्जी बनाई है मैंने। और इसमें मैंने बनाई है दाल, क्योंकि ऑब्वियसली एक नहीं कई बार मैंने आपसे शेयर किया है कि उनको पूरा चाहिए रहता है। नाश्ता बनाऊंगी पूरी, उसका बस वो एक आटा लगा लिया है, अगर टाइम बच गया तो, नहीं तो ऐसा ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, अपन दोनों आटे लगा लेते हैं, फिर टाइम के अकॉर्डिंग इसी का पराठा बना दो ये बना दो, तो मतलब लंच में तो उनको रोटी ले जानी है। और वो पूजा कर रहे हैं, तो चलो यार आपसे बातें करूंगी मैं बाद में, मैं ये काम कर लूं पहले। फाइनली हिंदी की मैंने 3 ही बनाई है, फिर और लेने से पूछेंगे, लेकिन फाइनली मेरा हो गया ये काम। तो बस आप देख रहे होगे, और इधर मुझे मैंने निले का लंच पैक कर दिया है, और ये वही सेलो एक्सप्रेस वाले जो मैंने आपको पहले शेयर किए थे, सामने इधर निले बैठे और कुछ कुछ हम लोग का आप डिस्कशन देखना, ऐसा चालू होगा लड़ाई वाला। आजकल आप अच्छे वाले नहीं, आजकल आप लोग स्क्रिप्ट भेज दे रहे हो ना, आजकल वो लोग ना बिल्कुल वो भेज देते हैं। बाय पापा को। बाय पापा। बाय। बाय चलिए नीचे वहां से देखते। कहां से देखते हैं यार? यहां दूर दिखता है। यहां दूर का दिखता है। चलो। वो तो डबल मास्क चेयर चेयर दिखता है। वहां तो डबल मास्क रेडी हो गया। हर दिन डबल। विंटर सीजन अब आ चुका है, और विंटर सीजन में हमारी स्किन काफी ड्राई और इची हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी भी स्किन ड्राई है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो इस बार इस विंटर्स में नहीं होगी। थैंक्स टू वाओ स्किन साइंस शिया बटर एंड कोको बटर मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन को। इसमें एक अच्छा बॉडी लोशन होना बहुत जरूरी है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे और बहुत ज्यादा स्टिकी ना हो। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ग्रीसी और स्टिकी टाइप के बॉडी लोशन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं यूज करती हूँ सेम वाओ स्किन साइंस का शिया बटर एंड कोको बटर मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। और ये बॉडी लोशन हेल्प करता है ड्राइनेस को कम करने में, और डीप हाइड्रेशन देता है। इरिटेटेड स्किन को सूथ करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं शिया एंड कोकोआ बटर, आर्गन एंड स्वीट आलमंड ऑयल, बीटरूट एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हाइलोरोनिक एसिड, प्रो विटामिन B5 एंड विटामिन ई। ये नॉन ग्रीसी है, जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये नेचुरल एक्टिव से बना हुआ है और 100% वेगन एंड ग्लूटेन फ्री है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल, पैराबेन, सिलिकॉन और कलर्स नहीं एडेड है। लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है, जो हाइड्रेशन को रिटेन करने में हेल्प करता है, जो स्किन डैमेज है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, और आपके स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। वाव के हर प्रोडक्ट में QR कोड होता है। QR कोड स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉइश्चर अप दिस विंटर, बी वाव नेचुरली। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और देव डांस क्लास नहीं गए हैं, वेद डांस क्लास गए हैं। और मैं लगती हूँ मतलब नीचे निलय के आने के पहले ना मैं खाना वाना बना लेती हूँ, रोटी नहीं सेकती हूँ, रोटी जब वो खाते हैं गर्म तब सेकती हूँ, और मतलब नाश्ता वाश्ता सब करके रेडी कर देती हूँ। तो जब मैं काम करती हूँ ना, तो मेरा सामान सब बिखर जाता है, मतलब आप देखते हो ये वाला प्लेटफॉर्म और इधर ये वाला प्लेटफॉर्म पूरा बिखरा हुआ है अभी, क्योंकि इसमें मेरे को बर्तन लगाने थे,
तो फिर वो क्या है, जैसे एक एक चीज कहूंगी मैं फिर फटाफट करूंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी सिंपल, क्योंकि सुबह मैंने मतलब एक टाइम दाल बनती है, तो सुबह जैसे दाल बना ली है तो अब शाम को नहीं। तो चावल फ्राई करूंगी मतलब फ्राइड राइस कर दूंगी और आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी। ये मुझे सेट करना था, तो ये देखिए फाइनली मैं लेके आ गई हूँ। कैसा लग रहा है इसका भी जरा मुझे लुक जरूर बताना। साथ ही मैं स्पून्स भी लेके आई हूँ, जिससे कि क्या है मिस हमारे निले को ना हर चीज ऐसा हाथ में पकड़ हाथ में चाहिए, ऐसा मान लो आपकी हाथ में चाहिए या फिर एकदम सामने हो कि बस वो ले। तो सुबह का टाइम तो बहुत ही हेक्टिक रहता है, तो जो कंप्लीट लुक है ना वो इस तरीके से आ रहा है। तो प्लीज आप मुझे जरूर बताओ कि इसमें मैं क्या ये चीज हटा दूं या ना हटाऊं, क्योंकि इधर मुझे मेरी ये फ्रूट्स वाली बास्केट तो हो ही जाती है, जैसे वो सेक्शन खाली है ना तो उसमें मेरा ये ब्लूटूथ अभी मैं चार्ज कर दूं तो वो रख दूंगी। तो ये वाला है ना मेरा पूरा घेर लेता है, तो इसमें मुझे जरूर आप बताना इसमें मैं ये हटा दूं या रखे रह दूं। बट वो मेरा नीडेड बहुत है, क्योंकि जब बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलती है ना तो इसी में मेरा मतलब पूरा स्टेशनरी पूरा रहता है, पेंसिल कलर और सब कुछ पूरा मैं एक साथ रखती हूँ। तो प्लीज आप मुझे अपना सजेशन जरूर देना। तो अभी आए हैं छत से कपड़े, और पता है टॉप फ्लोर पर रहने का कुछ प्रोज एंड कॉन्स मतलब फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं। तो बट ये है कि मुझे मेरी सर्दी में सारे कपड़े आराम से सूख जा रहे हैं, तो सब लाके इकट्ठे यहीं पटक देते हैं, फिर जैसे सब्जी वब्जी चढ़ा दी तो आराम से ये सब फोल्ड करके रख करते रहो। रजाई आपको अभी अनफोल्डेड लग रही होगी, इसलिए लग रही होगी क्योंकि बच्चे सो के उठे हैं, दिन में मैं यही सुला देती हूँ। अच्छा ये और कोई पूछ रहा था तो ये मैं दिखा दूं, मतलब हो सकता है सबकी अपने अपने करने के तरीके हो। तो मेरा ऐसा रहता है जैसे ये बेडशीट है ना, इसमें वुलन वाले ब्लैंकेट भी आप पूरा कम्प्लीटली एज अ बेडशीट डाल दे सकते हो, बट वो ना फिर बहुत धुलने में डालने में हैवी हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मेरे पास तिब्बती वाले कुछ शॉल्स हैं जो पूरा एक सेक्शन कवर कर लेते हैं, तो बेसिकली जो लेटने वाला एरिया है ना मैं बेडशीट के ऊपर ऐसे डाल देती हूँ, तो बच्चों को गर्म भी लगता है और इस तरीके से होता है। तो ये मैंने आपसे शेयर कर लिया कि मैं ये तरीका यूज करती हूँ बच्चों के लिए। तो बस शाम को भी मतलब मैं कोई ऐसी, आपने कभी मुझे बहुत ज़्यादा वैसी पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, तो बस ये है कि दीपक लगा लो हाथ जोड़ लो। मैं आपको बोली हूँ मैं इस तरीके का ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा वैसा पूजा नहीं कर, टाइम का भी थोड़ा सा ऐसा है। तो बस इस तरीके से मैंने शाम को लगा दिया है, और ये जो अगरबत्ती है इसमें क्या है दो मैं उसमें लगाती हूँ, आप दीपक चलाओ चाहे उसमें जलाओ तुलसी जी में, तो मैं मतलब अगरबत्ती लगा देती हूँ, और एक जो अगरबत्ती है ना वो मैं उसमें कर देती हूँ, ये जो मेरा क्रोटन है या एरिका जो अंदर रखा है ना उसमें लगा देती हूँ। तो जिससे कि क्या है कि वो घर में ना एकदम बढ़िया बढ़िया सी अच्छी सी सुबह मतलब शाम को स्मेल हो जाती है। तो बस यही कर रही हूँ, और तब तक निलय का आने का टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बस अब चलो किचन में देखती हूँ, क्योंकि जो सब्जी हो मेरी पक गई होगी और सीटी आ चुकी थी। तो देखिए आलू मटर टमाटर की मेरी सब्जी बन के हो गई है रेडी, और अब मैं राइस को फ्राई करूंगी, और मेरी कसूरी मेथी ख़त्म हो गई है, आज जो है वो लास्ट ही यूज़ होना है। उसमें जो छुप पैकेट है ये देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम लास्ट है। कसूरी मेथी अच्छी लगती है वैसे, हालांकि इस टाइम तो आप धनिया यूज़ करिए, धनिया भी यूज़ करती हूँ बट कभी ये कभी वो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।